गाइस टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड दिन ब दिन इंप्रूवमेंट करते जा रहा है और फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो कि पूरी वर्ल्ड को चेंज कर देंगी। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 ऐसी टेक्नोलॉजी जिनसे वर्ल्ड पूरी चेंज हो जाएगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं गेमिंग बॉडी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। गाइस पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है 5G इंटरनेट, जिसे नाम से पता चल जाता है इंटरनेट की 5th जनरेशन होने वाली है। और ये पहली जनरेशन होने वाली है जिसमें 1 Gbps तक की स्पीड मिलने वाली है। अभी मैं आपको एक वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि 5G कितना फास्ट होने वाला है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा ये इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। इसका काम 2019 मिड से स्टार्ट हो गया था और अब ये काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल होने लगा है। इंडिया में भी ये जल्दी आने वाला है। जहाँ तक बात चली है 2021 के स्टार्टिंग तक ये आ जाएगा और काफ़ी कंपनीज नई आने वाली हैं जो कि 5G को लाएंगी। और फ़ोन्स भी अगर आप देखो तो अभी 5G फ़ोन्स आने लगे हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट फैक्ट कार के ऊपर है। कार्स में भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होने वाला है। अब एक ड्राइवरलेस कार आने वाली है। एक नहीं बल्कि काफ़ी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। अभी ये किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है लेकिन इसमें काम चल रहा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर तक ये कार्स आ जाएंगी। और इसका भी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ कि ये कार कैसे चलने वाली है। जैसे आपने वीडियो में देखा ड्राइवरलेस कार्स भी आने वाली हैं और ये भी इन टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। ऑटोमोबाइल्स में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि आज तक कोई भी फुली ड्राइवरलेस कार नहीं आई है और सेमी ड्राइवरलेस कार्स आ चुके हैं जो कि टेस्ला और बाकी कंपनीज भी ला चुकी हैं। और अगर आपको उनको भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सेमी ड्राइवरलेस कार्स की, सो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हो। सो गाइस थर्ड फैक्ट भी हमारा कार्स के ऊपर होने वाला है। जैसे आपको पता है डीजल और पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं और उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक कार्स में जाना पड़ रहा है और काफ़ी कंपनीज़ इसको ला चुकी हैं और बहुत सारी कंपनीज़ को लाने वाली हैं। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी कार्स को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना जो भी कार पेट्रोल या डीजल की होगी उसको बैन कर दिया जाएगा। जो आपके पास कार्स है वो आपके पास ही रहेंगी लेकिन जो नई कार्स आएंगी वो फुली इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। गाइस इलेक्ट्रिक कार के बहुत सारा फायदे हैं, जैसे कि आपका जो खर्चा होगा पेट्रोल और डीजल में जो आप करते हो वो इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत ही ज़्यादा कम होगा। बट ये प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक कार्स की उतनी रेंज नहीं होगी। बट होप करते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि इलेक्ट्रिक कार काफ़ी जल्दी चार्ज हों और बहुत टाइम तक चलें। गाइस एवरेज एक इलेक्ट्रिक कार को 6 to 7 hours लगते हैं 0 to 100% तक चार्ज होने में और वो एक 200, 250 या 300 किलोमीटर तक चलती हैं। गाइस नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग के बारे में। आपने नॉर्मल प्रिंटिंग तो सुना होगा जिसमें किसी भी चीज़ की कॉपी पेज में ली जाती है, बट 3D प्रिंटिंग ऐसी नहीं है। 3D प्रिंटिंग में आपको फुल्ली वही चीज़ मिलेगी जिसको आप टच भी कर सकते हो और हाँ वो सॉफ्टवेयर से अब हार्डवेयर चली जाएगी या पैसा भी बोल सकते हो। 3D प्रिंटिंग भी बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसके भी मैं आपको कुछ क्लिप्स अब दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये थी 3D प्रिंटिंग की क्लिप। ये भी जल्दी आने वाली है, इंडिया का तो पता नहीं बट USA में इसका काम बहुत ही जल्दी से चल रहा है और बाय 2025 ये वहाँ पर आ जाएगी। गाइस नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है AI। जिन लोग को नहीं पता ये AI एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है। आप लोग में से काफ़ी लोग को पता होगा कि कोरिया में एक रोबोट को बनाया गया जिसको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है और अब वहाँ की वो एक सिटीजन बन चुकी है। वो एक फीमेल रोबोट है और वो हर कुछ कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है बनाना और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ बाकी चीज़ों में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम मेहनत लगती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बट रोबोट्स हमको ना माने। सो गाइस इस वीडियो में मैं ज़्यादा फनी चीज़ें नहीं करी, थोड़ी आपको नॉलेज देना चाह रहा था टॉप 5 चीज़ों की जो कि पूरी वर्ल्ड चेंज कर देंगी। होप करता हूँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अच्छा ही लगा होगा, और अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी कर लेना। और हमें माइक आ चुका है तो आपको आज की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी क्लियर मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
We'll be right back.